हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम ग्रामर के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे कंसेप्ट सर बेस्ड हैं जो कि सभी एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए आपने सभी क्वेश्चंस में कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 12 है। आप इस सीरीज़ की वीडियो प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्रूअल किंग बिलीव्ड इन पनिशिंग द प्रिजनर्स अंटिल दे डिड नॉट कन्फेस्ड देयर क्राइम। द क्रूअल किंग बिलीव्ड इन पनिशिंग द प्रिजनर, यहाँ तक कोई एरर नहीं है, और अंटिल दे डिड नॉट कन्फेस्ड देयर क्राइम, यहाँ अंटिल आ रहा है। अंटिल का मीनिंग होता है अप टू दैट टाइम और दैट इवेंट। अप टू दैट टाइम और दैट इवेंट मीन्स अंटिल तब यूज किया जाता है जब कोई एक्शन किसी टाइम तक या किसी इवेंट तक चलता है। यहाँ एक्शन पनिशिंग ऑफ प्रिजनर्स है और यहाँ इवेंट कन्फेशन ऑफ क्राइम है। यहाँ इवेंट कन्फेशन ऑफ क्राइम है और एक्शन पनिशमेंट ऑफ प्रिजनर है। पनिशमेंट ऑफ प्रिजनर चलती है अंटिल कन्फेशन ऑफ क्राइम। तो अंटिल के बाद वो टाइम आना है या इवेंट आनी है या इवेंट कन्फेशन ऑफ क्राइम है, तो अंटिल डिड नॉट नहीं आना है, आंसर बी हो जाना है। द क्रूअल किंग बिलीव्ड इन पनिशिंग द प्रिजनर्स अंटिल दे कन्फेस्ड द क्राइम। क्वेश्चन टू, इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट दैन टू स्पीक इन एंगर। यहाँ दैन आ रहा है, मीन्स यहाँ साइलेंट रहने में और बोलने में कंपैरिजन है। जब दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन हो तो वहाँ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म यूज होती है और बेस्ट गुड की सुपरलेटिव फॉर्म है। गुड बेटर बेस्ट होता है, गुड की कंपैरेटिव फॉर्म बेटर होती है, तो यहाँ बेस्ट नहीं आना है, बेटर आना है। तो यहाँ बेस्ट नहीं आना, बेटर आना है। इट इज़ बेटर टू बी साइलेंट दैन टू स्पीक इन एंगर, और आंसर हमारा ए हो जाना है। क्वेश्चन थ्री, ही सेड दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट सच ए ट्रिक इज डिस्कवर्ड। यहाँ ही सेड दैट आ रहा है, मीन्स ये इनडायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ही सेड दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट सच ए ट्रिक। ही सेड दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम, यहाँ पास्ट में कन्वर्ट हो गया है, दैट सच ए ट्रिक इज डिस्कवर्ड। सो यहाँ इज डिस्कवर्ड नहीं आना है, यहाँ पास्ट आना है, वॉज डिस्कवर्ड आना है। ही सेड दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट सच ए ट्रिक वॉज डिस्कवर्ड, इज डिस्कवर्ड नहीं आना है, वॉज डिस्कवर्ड आना है, और आंसर हमारा सी हो जाना है। क्वेश्चन फोर, द बिल्डिंग क्लैप्स्ड एट द आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। द बिल्डिंग क्लैप्स्ड एट द आफ्टरनून एट 4 o'clock। यहाँ प्रपोजिशन ऑफ टाइम का इशू है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के लिए प्रपोजिशन इन यूज होती है। अगर समय की बात हो, वी से इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, और यहाँ एट द आफ्टरनून है, यहाँ एट द आफ्टरनून है, यहाँ एट नहीं आना, इन आना है, यहाँ एट नहीं आना, इन आना है। द बिल्डिंग कलैप्स्ड इन द मॉर्निंग एट अबाउट 4 o'clock, और आंसर हमारा बी हो जाना है।